नहीं नहीं नहीं, शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शाबाश। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। विदेश में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हेलोवीन, जिसमें जो अतीत में हुए संत महात्मा थे उनके भिन्न भिन्न पोशाक धारण किए जाते हैं और कोई नाटक या कोई उनका अभिनय किया जाता है और उसमें बहुत सारी नवीनताएं भी करते हैं। एक व्यक्ति को पात्र दिया गया था शैतान का, तो वो अपने घर से शैतान का भेष धारण करके निकल पड़ा अपनी कार में। उसका जो चर्च था जहां वो नियमित जाता था वहां जाने के लिए, पर बीच में बारिश इतनी जोर से आ गई, तूफान, कि उसे रुकना पड़ा और वो एक स्थान में रुक गया। वहां एक दूसरा चर्च था, वो नहीं जहां वो नित्य जाया करता था, और वो उस चर्च में घुस जाता है उसी पोशाक में, डरावनी शैतान के, जिसकी भूमिका उसे अदा करनी थी अपने चर्च में किसी नाटक में। और जैसे ही वहां जाता है, उस चर्च में सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, वहां पर भी कोई कार्यक्रम चालू होता है, और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रार्थना करने वाले सब लोग डर जाते हैं, शैतान शैतान शैतान, भागो भागो भागो, वास्तव में शैतान आ गया है, और सब लोग अफरा तफरी यहां वहां भागने लगते हैं। और वो आगे आगे बढ़ता है और लोग पीछे पीछे हटके भागने लगते हैं, और एक बूढ़ी महिला होती है वो भी भागने की कोशिश करती है, और उसके कपड़े किसी चेयर में अटक जाते हैं। बाकी सब लोग तो भाग जाते हैं दूसरे दूसरे दरवाजों से, वो अकेली बच जाती है और वो व्यक्ति शैतान के भेष में उसके सामने आ जाता है। वो कहती है, शैतान मुझे माफ कर दो, मैं 30 साल से इस चर्च में आ रही हूं, पर मेरा यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे ही तरफ से थी, मुझे छोड़ दो, मैं भले आ रही हूं यहां पर मैं हमेशा तुम्हारे तरफ से ही थी। आई वॉज ऑलवेज ऑन योर साइड। कहीं हमारी कहानी तो नहीं? हम जाते तो है क्लास में, लिखते तो है मुरलिया, सुनते तो है, धारणाएं तो करते हैं, पर माया आ जाए तो उसको कहेंगे मुझे छोड़ देना,
मैं जाती तो यहां हूं पर हूं हमेशा तुम्हारी ही माया। बड़ी जबरदस्त है, उसके ढेर सारे रूप है। माया महा ठगनी हम जानी। कबीर कहते हैं कि माया जो है बड़ी ठगनी है, नए नए रूप रचती है, नए नए रूपों में आती है, समझ नहीं आता है, इतने उसके रूप हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी माया है और अलग अलग माया है, और हर दिन हर समय उसका रूप बदलते रहता है। तो जब माया ने देखा कि कितने सारे ब्राह्मण आत्म आए, अमृत वेला नियमित उठते हैं, मुरली क्लास में निकल पड़ते हैं, पवित्रता में बहुत अच्छी धारणाएं हैं, तो माया भी अपनी एक मीटिंग लेती है अपने साथियों के साथ, क्या किया जाए। जो उनकी गोद में सोए हैं उनसे कोई खतरा नहीं, उसको तो आराम से सुला देती है। कभी कभी उठ जाते हैं गोद से माया के, क्या हुआ, मुरली की आवाज आ रही है। माया कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो खिड़की बंद हो रही थी। फिर बीच में से जाग रहे हैं, अव्यक्त मास चालू है, कुछ करना चाहिए। माया कहती है नहीं नहीं कोई आवाज नहीं। नया वर्ष आया, कुछ करना है, ये कहां से आवाज आ रही है। माया कहती है कुछ नहीं, तेज हवा बाहर बह रही है, तुम सोचो। तो जो गोद में सो रहे हैं उनसे तो कोई खतरा नहीं है माया, पर खतरा उनसे है जिन्होंने विद्रोह कर रखा है, जो अपनी धारणाओं पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसों के लिए माया को भी मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे आज की सुबह की अव्यक्तवाणी में मीटिंग हो रही है बड़े भाई बहनों की, जिसमें बाबा आए हैं, वैसे सभी विकारों की भी मीटिंग होती है जिसमें माया का अवतरण होता है। जैसे बाबा मिलन वैसे उधर माया मिलन, उनकी भी बड़ी सभा होती है। उनका भी होगा कोई ऐसा ही डायमंड हॉल, जहां पर माया मिलन में भाव विभोर हो जाती होगी सारे विकार बनाएंगे। आखिर क्या करें उनके साथ जो एकदम नियमित अमृत वेला करते हैं, नियमित मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद में भोजन खाते हैं, बनाते हैं, दिन भर याद करते रहते बीच बीच में, नमा शाम का योग भी नियमित करते, रात को भगवान की याद में सोते हैं, उनके लिए कुछ तो योजना वो लोग भी बनाते हैं। जैसे नए वर्ष का प्रोग्राम हमने बनाया है, प्लानिंग, वो भी तो कुछ करते होंगे। उनको भी तो होमवर्क मिलता होगा उनके बॉस से कि पिछले साल तुमने जो गलतियां की इस बार वो नहीं करना। ये ब्राह्मण बहुत चालाक हो गए हैं आजकल। वो कहानी सभी ने सुनी होगी, एक टोपी बेचने वाला जंगल से गुजर रहा था, थक जाता है, झाड़ के नीचे बैठता है, आंख लग जाती है, आंखें खोल कर देखता है तो पाता है सारी टोपियां बंदरों ने ले ली, और सारे बंदर झाड़ पर उछल कूद कर रहे एक एक टोपी पहनकर। तो बंदर को युक्ति, वो व्यक्ति को युक्ति सूझती है, वो अपनी टोपी निकालकर नीचे पटकता है, तो उसको देखा देखी सारे बंदर अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक देते और टोपियां उसे मिल जाती है। यहां तक की कहानी तो हमने किताबों में सुनी, अब कहानी थोड़ी और आगे है। ये तो मर जाता है उसका बेटा टोपी बेचने वाले का, वो अपने बाप का ही कारोबार थोड़ा और आगे बढ़ाता है, और एक बार वो भी उसी जंगल से गुजर रहा होता है टोपियां लेकर, वो भी थक जाता है, उसी झाड़ के नीचे आता है और सो जाता है, और जैसे ही सोता है सारे बंदर आ जाते हैं,
और एक एक टोपी पहन के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब वो उठता है, देखता है सारे बंदरों ने टोपी ले ली, उसे अपने बाप की याद आती है और वो अपनी टोपी निकाल के नीचे फेंकता है। और एक बंदर आता है और वो टोपी भी ले जाता है, क्योंकि उस उन्होंने भी अपने बाप दादा से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने भी तो सीखा होगा ना कि हमारे बाप दादा ने जो गलतियां की है हम नहीं करेंगे। तो वैसे ही माया का नित्य दिन रूप नया है। हमने सोचा आज हमने माया को हरा दिया तो कल माया किसी नए रूप में आएगी। आज उसको हरा दिया, आज वो गलती नहीं की तो माया कुछ ना कुछ तो करेगी। जैसे एक व्यक्ति दो दारू पीता है, शाम होते ही अपने आप कदम निकल पड़ते हैं मधुशाला की तरफ। मधुशाला एक दिन सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो देखूंगा भी नहीं उधर। शराब की दुकान है, वहां से सामने से निकल जाऊंगा पर देखूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज के दिन मैंने जीत लिया तो हमेशा के लिए जीत लिया, बहुत हो गया। रोज रोज सारे दिन भर संकल्प करते आज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और शाम होते ही अपने आप कदम निकल पड़ते हैं। सोचते हैं आज कुछ भी हो जाए, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ जाता है। वो शराब की दुकान बाहर रह जाती है और जैसे ही आगे बढ़ जाता है इतना खुश होता है, नैतिक विजय, मॉरल विक्ट्री हुई है आज। अपने मन से बात करता है, मेरे मन तूने आखिर वो काम कर दिया। और इसी खुशी में आज तूने जो आज किया है ऐसी खुशी आज तक नहीं हुई, और इसी खुशी में आज एक हो ही जाए वापस। जीत तो हुई थी पर साथ में कुछ और भी हो गया। तो माया गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदलती है। जैसे हम नवीनता लाते हैं वो लोग भी नवीनता लाते हैं, सारे विकार मिलकर। इसमें विकारों का जादू छिपा, माया की छाया से बचना जरा जादू है उसमें, पागल कर देती है व्यक्ति को। सारा संसार विक्षिप्त है, इनसेन, मैड, उसके भुलावे में छलावा है माया एक। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के लिए जो जागृत है उनके लिए माया के कौन कौन से रूप है, उन सूक्ष्म रूपों की आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे माया के 10 रूप। आज विकार हमें पता है, जागरूक भी है उनके प्रति, ईर्ष्या, द्वेष, क्रिटिसिज्म, सुबह बाबा ने चर्चा की। शायद हम में से कई ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त है, द्वेष कभी होता नहीं है, घृणा किसी से होती नहीं है, क्रिटिसाइज किसी को हर्ट कभी करते नहीं, परंतु फिर भी माया के किसी ना किसी रूप के अधीन है। तो इन 10 रूपों में से रावण के 10 सिर पहला आलस्य, एक है आलस्य, एक है अलबेलापन। आलस्य स्थूल है, अलबेलापन सूक्ष्म है। आलस्य शरीर के तल का है, अलबेलापन मन के तल का है। पर कई मुरलियों में बाबा ने दोनों को समानार्थी रूप में प्रयोग किया है। कौन सा आलस, कैसा आलस,
ये सोचना आज नहीं कल से करेंगे, याद से अभी करना है जो करना है. द टाइम इज नाउ. अगर अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर सकेंगे. कल्प कल्पांतर की ये बाजी है. जैसे संसार की चीजों के लिए हम जल्दबाजी करते हैं, अभी पाना चाहते हैं, क्या ऐसी ही तीव्रता हमारे लिए अलौकिक चीजों के लिए है? कितनी सारी अव्यक्त वाणियां चली है 69 से लेकर 2017 तक. 1100 है लगभग अव्यक्त वाणियां. सारी पढ़कर हो गई? शायद ही कोई होगा जिसकी सारी पढ़कर हो गई एक बार. जितने सूक्ष्म राज रहस्य मुरलियों में आए हैं और हम अनभिज्ञ, हमें पता ही नहीं वो सब बातें, क्योंकि इतनी सारी बातें, क्योंकि हम दूसरी दूसरी चीजों में लगे हुए हैं. माया अपने मीटिंग में अपने साथियों से यही चर्चा करती है कि ब्राह्मणों की बुद्धि को कहीं और लगा दो, बिजी कर दो माइंड, एंगेज कर दो उनको ऐसे ऐसे कार्यों में कि उनका समय उसमें चला जाए, व्यर्थ की बातों में, ताकि वो टाइम निकाल ही ना सके ये सारी मुरलियां पढ़ने के लिए. इधर उधर लगा दो उनको, ये आलस है. अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन न करना ये आलस है. हमारी दिनचर्या में रोज साकार मुरली तो है परंतु अव्यक्त मुरलियों का एक अनमोल खजाना. जब तक उसका अध्ययन नहीं, रुचि नहीं, कुछ नहीं होगा. और मन जब व्यर्थ में होता है, निगेटिव में होता है, या विकारों के सूक्ष्म प्रभाव में होता है, मुरलियां पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है. व्यर्थ लगता है. टेस्टी चीज खाने की इच्छा हो गई कि हेल्दी चीजें पड़ी रहती है, फ्रूट्स वगैरह रहेंगे वो पड़े रहेंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत सारी जो स्वादिष्ट है उसमें फंसी. मनोविज्ञान है ये मन का. उसी तरह विकारों में, व्यर्थ में, बातों में बुद्धि लगी है तो ज्ञान की बात है, रुचिकर नहीं लगती. अगर किसी को कहो चिंतन करो, कहते हैं माता है, कहती है हमारा बिल्कुल चिंतन नहीं चलता, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम ज्ञान का चिंतन करें. पर यदि कोई पड़ोस की महिला आकर हमें कुछ कह दे तो रात भर पूरी प्लानिंग होती है, अब हमें क्या करना है. उसने आकर कह दिया कि तुम्हारा ये जो बबलू है ये ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक करो तुम. पूरी प्लानिंग हमारे बबलू को ऐसा कहा, उनके लल्लू को हम देखेंगे कल. पूरी चिंतन रातों रात एक रामायण निर्माण हो जाए, इतना महान चिंतन. इसका अर्थ चिंतन की शक्ति है, केवल दिशा गलत है. अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन न करना ये आलस. दूसरा आलस चिंतन न करना ये आलस. एक सबको काम दे रहे रोज की जो साकार मुरली है उसमें से टॉपिक्स निकालना है. पॉइंट्स बहुत लिख ली डायरियों में, अब टॉपिक्स लिखना है. सुबह सुबह मुरली सुनते सुनते केवल टॉपिक टॉपिक लिख दो 5 और छोड़ दो, और सारे दिन भर जब भी समय मिले उन टॉपिक्स का चिंतन करना. ये क्या है, ये क्या है, क्यों ये कहा, किस लिए ये कहा. जैसे आज की मुरली से एक टॉपिक ले ले, अवतार. सुबह की मुरली में है क्या, समझो अपने आप को अवतार. माइक के पीछे लाइट और माइट हाउस बनकर बोलो,
ये समझो मैं अवतार, अवतार बोल रहा है। और अवतार की स्थिति पावरफुल होगी। एक टॉपिक, अवतार क्या क्या करता है। अवतार जब धरा पर आते हैं तो कैसी क्रांति हो जाती है। अवतार दूसरा, आज की मुरली से रूहानी गुलाब, तो मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा जब इतने सारे रूहानी गुलाब आ जाएंगे तो कैसी खुशबू उड़ेगी। चिंतन, गुलाब के ऊपर चिंतन करना, चलते फिरते उठते बैठते भोजन बनाते हुए चिंतन करना। कोई अलग से टाइम तो किसी को मिलेगा नहीं, जो समय उपलब्ध है उसी में बैठकर चिंतन। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, या फिर आज की मुरली से मैं चतुर्भुज हूं। बाबा ने कहा ना, दो भुजाओं से बहुत काम कर लिया, चार भुजाओं के साथ ऐसे ऐसे घूमना, चार भुजा, चार भुजाओं के साथ काम करना, मुरलियों से टॉपिक्स निकालना, ड्रिल बनाना और सारे दिन भर अभ्यास करना। और नई नई हर दिन, एक ही नहीं, जो आज की वो कल नहीं, हर दिन की मुरली से नई ड्रिल, ये न करना ही आलस्य है। तीसरा, सेवा न करना ये भी आलस्य है। अपने आप को ऑफर करना है सेवाओं के लिए। सेवाओं की गंगा बह रही है संगम पर, भाग्य बना लो। पाप बहुत किए, जन जन का बोझ है, योग इतना लगता नहीं है, ज्ञान की धारणा नहीं है, कैसे पाप भूलेंगे। एक तो विधि है और वो है सेवा, स्थूल सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, कैसे भी अपने आप को सेवा में लगा देना है, तन मन धन। वो सब नहीं कर सकते तो सूक्ष्म मन से सेवा। आज सुबह पार्टियों से, बड़े भाई बहनों से, ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा, मनसा सेवा का व्रत लो, मनसा सेवा का अभ्यास करो, मनसा सेवा को यूज करो, मनसा सेवा की ट्रायल करो, यही काम है। तो ड्रिल बनाना यूज कर, एक एक मुरली का गहराई से अध्ययन करना है, डेप्थ। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, ऊपर ऊपर तैरोगे तो मछली हाथ में आएगी, बस कहां जाना है, गहराई में जाओगे तो मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला। सोचना अर्थात ऊपर ऊपर तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबू। तट पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे कदम नई राह सिखाते हैं, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा। तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। मैं गोताखोर हूं, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। अलौकिक गोताखोर बनना है जो गहराई में जाए। और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जितना गहराई में जाओगे शांत होते जाओ। हलचल कहां होती है सागर में, ऊपर ऊपर, और नीचे अतल गहराइयों में परम शांत होता है सागर। अव्यक्त मुरलियां भी सागर की तरह है। किसी एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, एक है बाप को याद करना और दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना। आगे की लाइन थी, बाप को, बाप के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है, बाप को याद करने से, ऐसा बाबा ने कहा। तो जो सूक्ष्म आलस छिपा हुआ है और जो प्रकट होता है अचानक, वो देखना है दिन में कौन से वो समय है दिनचर्या में, जहां मन आलसी हो जाता है,
चिंतन नहीं करता। और चिंतन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय? अमृत वेले के बाद का, जिस समय नींद भी कैसी आती है? कैसी नींद आती है? बहुत अच्छी नींद आती है। किसी ने एक बड़ी अच्छी कविता कल परसों भेजी है, वीर तुम अड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। चाय का मजा रहे, प्लेट पकड़ो से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। माँ की लथाड़ हो या बाप की दहाड़ हो, तुम नीडर डटे रहो, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। मुंह भले गरजता रहे, दंडे भी बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रात हो कि रात हो, संग कोई ना साथ हो, रजाई में घुसे रहो, वीर तुम डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, यत्न कर निकाल लो, ये समय तुम निकाल लो। ठंड है, यह ठंड है, यह बड़ी प्रचंड है, हवा भी चल रही, धूप को डरा रही, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। लिखने वाला लेखक ये वास्तव में इस तरह की कविता रामधारी सिंह दिनकर कवि ने लिखी है, और यहाँ कवि का नाम है रजाईधारी दिनकर दिन भर। वो दिनकर ये दिन भर, वो रामधारी ये रजाईधारी। तो सुबह सुबह माया आके घेर लेती है, अमृत वेला हो गया, उसके बाद में कौन पुकारता है? बिस्तर। अमृत वेला होते ही नींद करने की किस किस को आदत है? जरा सा हाथ खड़ा करना, इधर उधर नहीं देखना, बाकी लोग सीधा सामने देखना, नहीं तो बाजू वाले को मुश्किल हो जाएगी उठाने में। ये समय है चिंतन का, ये समय है जागरण का, ये समय है खुद को सशक्त बनाने का, एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, प्राणायाम का, आसन का, पढ़ने का, सोने का नहीं। और कईयों के पास बहुत सारे कारण है, दिन भर आराम नहीं मिलता, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कुछ भी हो, अपनी दिनचर्या को खुद सेट करना है। अमृत वेला होते ही पौने पांच बज गए कि काम आज का पूरा हुआ, चलो अब। तुरंत अमृत वेला पूरा होते ही गीत बजते ही एक दूसरा गीत सुनाई देता है, कौन सा? त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर। बिस्तर से गीत आता है, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर, राजयोग की बाहों में। बिस्तर कहता है आ जाओ, सब छोड़ के, छोड़ो ये सब, आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ। और सोते ही परम आनंद का अनुभव होता है, सीधा 6:30 बजे नींद जब खुलती है तो आहा, ऐसा लगता है 6 घंटे की नींद पूरी हो गई, 1 घंटे में, आधे घंटे में। एक बहन है उधर, वो कहती है एक प्रश्न है मेरा, 4 बज रहे दिखे पर इधर मुझे स्वप्न में बाबा दिख रहे, तो मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए?
अगर मैं उठती हूं तो ये जो बाबा मुझे दिख रहे हैं, साक्षात बाबा एकदम सामने है, मैं स्वप्न में हूं, तो मुझे उठना चाहिए, छोड़ दो बाबा को या उठ के अमृत वेला करूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, या बाबा के साथ अनुभव चालू रखे, नींद में स्वप्न में बाबा के साथ घूम रही हूं। ये भी माया है, जबरदस्त माया है, अलग अलग रूपों से आती है। एक भाई शांति स्तंभ पर अव्यक्त मास योग युक्त और बीच बीच में एकदम नीचे, उसको उठाया, क्या वो कहता है सकाश दे रहा हूं धरती को, क्या कर रहा हूं, नजदीक से सकाश दे रहा हूं पूरा नीचे। योग करते करते झुटका लगने के बाद सबसे पहले चीज क्या करती है, चेकिंग, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो हाँ ठीक है, बाकी कोई चिंता नहीं, बाकी झुटका आया नींद आई उसकी कोई परवाह नहीं, पर कोई देखे नहीं, हमारे इज्जत का सवाल है, योगी पने का स्टेटस। और मधुबन में आने के बाद तो एकदम जागृत हो जाते, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम तो बात मत पूछो, भोजन खाते खाते खा रहे, ट्रैफिक कंट्रोल बच गया बस यहीं पे निवाला, और उसको देखेंगे और फिर बाहर वालों को भी देखेंगे कौन नहीं कर रहा है ट्रैफिक कंट्रोल। शांतिवन में तो बात मत पूछो, सड़क के बीच में ही खड़े हो जाते, उधर से कार हॉर्न लगा रही है ट्रैफिक कंट्रोल, उसको भी डांटेंगे, एक्स्ट्रा नशा। एक भाई तो खाते खाते ट्रैफिक कंट्रोल बज गया, अलग अलग किस्म के है। बाबा के कुटिया से एक बार एक भाई वहां जो तकिया रखी थी वही लेके जा रहा था, वो पकड़ा गया, उसको पूछा क्या है, वो कहता है मेरे बाप की है, बाप की सो मेरी, सीसीटीवी लगे हर जगह। तो वहां पर भी माया नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती। तो हम चर्चा कर रहे थे माया के 10 रूपों की, और पहला रूप बताया आलस, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन न करना, चिंतन न करना, अमृत वेले के बाद सो जाना, ये सब आलस की निशानी है। दिन में पूरा ही भूल जाना बाबा, सुबह किया मुरली तक ठीक, दिन भर पूरा भूल गए, और फिर एकदम रात में याद आया कि बाबा भी कुछ है, वो भी आलस। नुमा शाम का योग न करना, जैसे अमृत वेले का महत्व है वैसे ही नुमा शाम के योग का महत्व है। नुमा शाम के योग का समय है, समय है हमारे पास, हम कर सकते हैं, फिर भी न करना, फिर भी व्यर्थ की चीजों में लगे रहना, ये भी माया है, ये भी आलस है। हाँ, जो नौकरी करते हैं, जो काम पर है, जो ट्रैवल में है, उस समय शाम के समय उनकी बात कुछ और, पर फिर भी वो सब करते हुए भी जहां ऑफिस में बैठे हैं, जैसे ही 6:30-7 बजते हैं, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा योग युक्त हो जाना है। सोमान का अभ्यास न करना, चिंतन न लिखना कुछ, ये भी आलस है। हमारे ओपीडी में बहुत सारी माताएं आती है, एक माता आई थी उस दिन, कहती थी मेरे 1,00,000 बार लिख के हो गया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अभी दूसरा सोमान चालू है, मैं महान आत्मा हूं। कितनी लगन है, ज्ञान से कितना प्यार है,
हम देखते हैं पेशेंट्स एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही अभ्यास करते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और कुछ कुछ सारा समय टीवी में चला जाता है, टीवी देखते हैं। तो आलस को हटाना है, अपने ही सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कहां फंसा है, चुप गया है वो कांटा, उसको निकालना है वहां से, ये आलस वाला। और उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जब तक थोड़ी जबरदस्ती ना की जाए आलस नहीं जाए। अंग्रेजी लेखक है मार्क ट्वेन, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, हम जब युवा थे तो मैं और अपने दोस्तों के साथ हम जंगलों में एक्सकर्शन घूमने निकल पड़ते थे, एडवेंचर करने। और एक बार ऐसा हुआ कि हम दिन भर चलते चलते थक गए सारे दोस्त, और बीच में बड़ी सी दीवार आ गई। अब दीवार के उस पार हमको जाना था, पर सबको इतने आलस से भर गए और थकान हो गई, सबने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं, बहुत हो गया। तो मार्क ट्वेन ने कहा कि मैंने क्या किया, सबको कहा अपनी अपनी टोपियां दे दो, सबकी टोपियां ली और दीवार के उस पार फेंक दी। अब जाना ही पड़ेगा, अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि टोपी उधर है। वैसे ही एक है संकल्प करना, फिर कर्म करना, ये सबको पता है। दूसरा है डायरेक्ट कर्म करना और उसके आधार पर संकल्प निर्माण होंगे। मनोहर इंद्रा दादी के पास कोई बहन आती थी, कहती थी दादी मुझे उदास सा लग रहा है, दादी कहती थी जाओ जाकर 7 दिन का कोर्स करो, अपने आप होंगे उससे आ जाएगा। स्ट्रेट एक्शन, परिणाम खुशी, सीधा सेवा। उदास लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, जाओ जाकर सीधा स्थूल सेवा करना चालू कर दो, प्रदर्शनी समझाना चालू कर दो, किचन में सेवा करना चालू कर दो, कुछ भी सेवा। उदास लग रहा है, कोई ग्रुप आ गया उनको समझाओ सदा खुश कैसे रहे, अपने आप खुशी आ जाए। उमंग उत्साह नहीं लग रहा है दूसरों को इस टॉपिक पर समझाओ कि सदा उमंग उत्साह में कैसे रहे, समझाते समझाते ही खुशी आ जाएगी। इसके लिए सेवा न करना। 3-4 दिन पहले मुरलियों में था, जंगल भरा पड़ा है, शिकार करो। बाप से बच्चे कहते बाबा कोई आता नहीं, कलराठी जमीन है। बाप कहते हैं जंगल में शिकार न हो, ये हो सकता है क्या? कहीं पर भी जाओ, 2-3 दिन पहले मुरलियों में हनुमान का उदाहरण था, चुपके से जाके बैठ जाता था। तुम ही अलौकिक सेवा करते हो भारत के, गुप्त सेवाधारी, तुम ही सच्चे सेवाधारी। सेवाएं करनी, सेवाओं से मोमंग उत्साह लौट आएगा, सेवाओं से पाप धुल जाएंगे, पुण्य होगा, स्थिति ऊपर उठेगी, प्यूरिटी बढ़ेगी। विवेकानंद ने कहीं कहा है, दोज हु प्यूरिफाई देमसेल्व्स कंप्लीटली आर बेटर देन द रेजिमेंट ऑफ प्रीचर्स। जो अपने आप को संपूर्ण पवित्र कर लेते हैं वो उन ढेर सारे प्रवचनकर्ताओं से महान है। वो प्रवचनकर्ता जो धर्म की केवल शिक्षा देते हैं पर अंदर से पवित्र नहीं, केवल बोलते हैं, भाषण देते हैं पर अंदर से धारणाओं का अभाव है। जब धारणाएं होगी तभी हमारे शब्दों में पावर होगी। एंड फ्रॉम दिस कम्स द पावर ऑफ वर्ड्स, इससे शब्दों में शक्ति आएगी। पहला आलस, दूसरी दूसरा माया के रूप का रूप है बहानेबाजी। दादी जानकी की एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा, एक है झूठ बोलना, दूसरा है बहाने बनाना, और बहाने बनाना झूठ बोलने से भी बड़ा पाप है। बहन जी ने कहा सेवा में आ जाओ तो फिर बहाने बनाएंगे, आज हमारा वो है, आज हमारा ऐसा है, आज हमारा वैसा है। ज्ञानामृत में एक बार
108 कारण आए थे, मुरली न सुनने के 108 कारण। कौन सी ज्ञानामृत है पता नहीं, पर कई समय पहले एक ज्ञानामृत में आया था, क्यों नहीं सुन रहे मुरली, निकल ही रहे थे मेहमान आ गए, बच्चे को तैयार करना था, बारिश आ गई, बीमार हो गए, सिर में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है, परिस्थितियां चल रही है घर में, घर वाले कुछ करते ऐसा करते वैसा करते, ढेर सारे कारण बताते, लेम एक्सक्यूजेस, मन बहाने बनाकर अपनी रक्षा करना चाहता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है, ढूंढता है बहाना, लेट आने का बहाना, काम न करने का बहाना, योग ना लगने का बहाना, अमृत वेला क्यों नहीं करते हो, थक जाते हैं, लेट सोते हैं, किसने कहा लेट सोने के लिए, अमृत वेला शक्तिशाली बनाने की विधि है जल्दी उठना नहीं, जल्दी सोना, ये विधि है अमृत वेले करने की, और सारे आकर्षण तो रात में ही है, माया क्या, जल्दी सो जाओ। हमने देखा है मधुबन में ऐसे कुछ भाई है, इतनी शक्तिशाली उनकी धारणा है, बस 9:30 बज गए कि सो जाते, और उनका अपना टाइम है 1:30 बजे, 1:45 बजे, 2 बजे, उठना ही है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, रात भर बहुत गर्मी थी, फैन बंद था इसलिए नींद नहीं हुई, मच्छर ज्यादा थे इसलिए अमृत वेला नहीं, कोई कारण नहीं, अपनी धारणाओं पे इतने पक्के हैं, एक ही डिपार्टमेंट में 50 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, फिर भी बोर नहीं है, बाबा ने दी है सेवा कर रहे, एक दो तो ऐसे हैं जो आज तक मधुबन के बाहर कभी गए नहीं, 30 साल से मधुबन में रह रहे पर ज्ञान सरोवर भी नहीं देखा है, ऐसे भी एक दो लोग, वो कहते हैं हमको कहीं जाना ही नहीं है मधुबन छोड़ के, क्यों जाए हम, यही सब कुछ है, यहां से अर्थी उठेगी, चाहे कुछ भी धारणा हो परंतु बहुत पक्के है कि हम भी अपनी धारणाओं में ऐसे पक्के हैं। सुबह हमने अनुभव सुनाया, उसी समय की एक बार की बात है, 2002 3-4-5 किसी कारण से हमें कहीं जाना पड़ा और ट्रेन में थे और हम सो गए जल्दी 10 बजे, और आप जब खुली और खिड़की से बाहर देखा ट्रेन से तो एकदम प्रकाश, हमको लगा क्या हुआ, हमारा अमृत वेला भी गया, सब गया, ऐसे कैसे हो गया, खिड़की से बाहर एकदम प्रकाश, लाइट पूरा, जैसे दिन हो गया है, 8 बज रहे, तो बिना इसको देखे, घड़ी को देखे, हम एकदम से जैसे थोड़ा सा दुखी हो गए कि ऐसा कभी हुआ नहीं जब से हम आए, एकदम उदास से हो गए, फिर भी बैठे और साइड बर्थ वहां पर बैठ के थोड़ा योग करने लगे, और ट्रेन रुकी हुई थी, कोई स्टेशन था शायद, और ट्रेन चालू हुई, और ट्रेन जैसे आगे बढ़ी बाहर एकदम डार्क अंधकार, हमने सोचा ये क्या था, घड़ी देखी 2 बज रहे थे, तब कहीं जान में जान आई कि वो स्टेशन था, तो भगवान भी मदद करेगा अगर धारणा बना ली है, चाहे ट्रेवल में हो चाहे कहीं पर भी, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, और जिनको बहाने देने हैं भी तो बहाने देने की तो कोई लिस्ट ही नहीं, कुछ भी बहाने दिए जा सकते, कुछ भी, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत, श्रीमत को अपने रीति से सेट करना, जैसे एक परिवार नया नया ज्ञान में आया, शादी में जाना पड़ा, तो होटल में रेस्टोरेंट में शादी थी, लेट पर भोजन आया,
उसमें समोसा था एक, तो वो जो भाई थे उन्होंने क्या किया, समोसा का तोड़ा और जो अंदर के आलू है उसको बाहर निकाला। तो उसको पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा आलू निकाल रहा हूं, बाहर का हम नहीं खाते, हम केवल अंदर का खाते हैं, ये जो बाहर का है ना समोसे का, नो नॉट अ श्रीमत, वो श्रीमत नहीं है। तो वो निकाल निकाल के आलू खाना चालू किया अंदर का। तो दिमाग तेज बहुत, ब्राह्मणों बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए भगवान ही इनको सिखा सकता है, और कोई तो सिखा ही नहीं सकता ब्राह्मणों को। कोई आएगा तो उसको घुमा देंगे गोल गोल। इनको ऐसे होशियार बच्चों को सिखाने के लिए डायरेक्ट स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि को ही आना पड़ता है, कोई दूसरा आता तो पागल हो गया होता अब तक। इतने होशियार सब बैठे हैं यहाँ पर। मुरली में एक बार आया था आम के लिए, तुम्हें कोई भी चीज बिना पूछे लेनी नहीं है। कोई कोई बच्चे चुपके से आम ले लेते हैं, ऐसा मुरली में आया था। हम ज्ञान सरोवर गए थे क्लास कराने, वहां पे एक भाई ने कहा खरबूजा तो ले सकते हैं ना, पर बाबा ने तो आम के लिए कहा था। दूसरा बहानेबाजी, अगर नहीं तो नहीं, अगर सेवा नहीं करनी है, बहन जी ने काम दिया है, सीधा कह दो मना कर दो, ना ना जी। हो भी सकता है हमारे पास समय नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा है, हाँ कह देना और फिर ना करना। अच्छा होता ना कहा होता, किसी और को सेवा दी गई होती तो काम तो हुआ होता। हाँ कहना और फिर ना कहना, करना नहीं, ये तो डबल बोझ हो गया। इंग्लिश में एक किताब है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। ना जी भी सीख लो फिर, अगर नहीं होता है करना तो सीधा बोल दो नहीं होगा, और कई बार करना भी पड़ेगा, करना भी पड़ता है। किसी और को काम दे दिया जाए, सेवा दे दी जाए। तीसरा माया का रूप, सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। जितना आत्मा को सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती है वो आलसी हो जाती है, और तपस्या तो अभाव में की जाती है। सब कुछ है वहां तपस्या नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए की कामना रह जाती है। वो राणा प्रताप थे, प्रतिज्ञा ले ली थी, जब तक चित्तौड़ का राज्य वापस नहीं पा लूंगा तब तक चार बातें, एक शैया पर कभी नहीं सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा, जब तक चित्तौड़ का राज्य स्वराज्य नहीं पा लेता तब तक थाली सोने चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा, जब तक स्वराज्य नहीं पा लेता तब तक महलों में नहीं रहूंगा, कुटिया में रहूंगा, और जब तक स्वराज्य नहीं पा लेता दाढ़ी नहीं काटूंगा। चार प्रतिज्ञाएं थी, और अपना जीवन अर्पित कर दिया, बलिदान दे दिया। कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा थी, सुबह की अव्यक्त वाणी, प्रतिज्ञा प्रण अटल प्रतिज्ञा, अटल। तो हमारा जीवन तपस्वी जीवन है, सुख सुविधाओं में भोग और विलास के लिए यह जीवन नहीं है। हमारा शरीर तपस्या करने के लिए, इसको विकारों में और विषयों में डुबाने के लिए नहीं है। जन्म जन्म से तो यही किया है उसने। हमारा जीवन तपस्वी जीवन, जैसे राम का जीवन दिखाया रामायण में, जो बाबा कहते हैं वनवाह में हो तुम, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे वो वनवास में है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, करता क्या है, दिन भर रक्षा करता है, सेवा करता है साधुओं की, क्या खाता है, कहाँ सोता है, कैसी दिनचर्या है उसकी,
तपस्वी है वो। योग वशिष्ठ का वर्णन मुरलियों में आता है। योग वशिष्ठ में राम की स्थिति का वर्णन है। राम अभी वनवास में गया नहीं है, राजमहल में ही है, पर दिखाया है कितना विरक्त है वो। संसार की चीजों से कोई आसक्ति नहीं है उसको। वो जब देखता है सुख सुविधाओं की चीजें, उसे दुख होता है अंदर से। दूसरों को देखता है सुख सुविधाओं में डूबे हुए, अंदर से दर्द होता है, टीस उठती है। ये राम की स्थिति का वर्णन है। इसीलिए तो जब राज्य आया और चला गया, तिनके की तरह छोड़ दिया और निकल गया। कोई आसक्ति नहीं है, ठुकरा दिया, चला गया। वो पहले भी तपस्वी है, वन में भी तपस्वी दिखाया है, दोनों रूप तपस्वी है। तो अब बाबा ने मुरलियों में कहा है, तुम वनवाह में इतनी सुख सुविधाओं में डूब नहीं जाना है कि हर चीज के लिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर युगल रहते हैं, कई दिनों से सेवा कर रहा हॉस्पिटल में है। तो उनकी जो मिसेस है युगल, उनको पूछा कि भाई आप लोग कार क्यों नहीं ले लेते। तो वो कहती, कार अगर ले लूं तो ये मेरे मिस्टर बाथरूम में भी कार लेके जाएंगे, चलने की आदत ही छूट जाएगी इनकी, वॉकिंग। तो सुख सुविधाएं ये भी माया का रूप बनना चाहिए। घर हो, सेवा केंद्र हो, उसमें सादगी हो। कोई प्रवेश करे तो उसे लगे ये आश्रम मंदिर है, कोई ऐसा अनुभव, फाइव स्टार होटल ना लगे। उसके बाद में चौथा माया का रूप, दैहिक आकर्षण, देह का आकर्षण। सारी दुनिया देह के इर्द गिर्द घूम रही है, देह बीच में है, पागल कर रखा है शरीर में सबको। शरीर, शरीर का सौंदर्य, अंग अंग प्रदर्शन, सारी फिल्में, सारे उपन्यास, सारे गीत, सारे मैगजीन्स, सारा मीडिया, शरीर बीच में, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा है क्या इसमें? सोचना है क्या है इसमें? क्या वास्तव में इतना सुंदर है? जाओ जाकर अस्पताल में देखो, सरकारी अस्पतालों में जाओ जाकर देखो, सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स, वो टीबी के पेशेंट, वो किडनी डायलिसिस के पेशेंट, वो कैंसर के पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी? कहां है सौंदर्य? कितने सारे फिल्म स्टार ऐसे हैं, जब वो मर गए तब हॉस्पिटल का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं थे उनके पास, जबकि अपने समय के बहुत बड़े बड़े स्टार थे। इस हालत में गए, क्या है इसमें ऐसा? और ये सूक्ष्म माया है, बहुत सूक्ष्म माया है। जगदीश भाई जी एक कहानी सुनाया करते थे, शायद सभी ने सुनी होगी, उस कन्या की जो पनघट पर पानी भर रही है। एक युवक आता है, कहता है प्यास लगी, पानी दो। वो कन्या कहती है, पानी मैं दूंगी, एक शर्त, अंग से अंग न लगे, इस शर्त पर पानी दूंगी। वो कहता है ठीक है। वो खड़ा होता है दूर, वो अपनी गागर से पानी डालती है, वो पीता है और चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों के माँ बाप दोनों की शादी तय कर देते बिना उनको बताए। दोनों की शादी हो जाती है, शादी में भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। और जब पहली मुलाकात होती है दोनों की, आमने सामने आते हैं दोनों एक दूसरे से शादी के बाद, वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे। दैहिक आकर्षण, सोचना है कि है क्या इस शरीर में ऐसा, हड्डी मांस
मलमूत्र से भरा ये देह, बकेट स्टूल एंड यूरिन की, वही है उसमें, और कुछ नहीं, दुर्गंध से भरी हुई। झूठा है कई जन्मों का, झूठन के झूठन के झूठन का झूठा। ये चमड़ी को उखाड़ दो, क्या बचता है अंदर? कहां है सुंदर? ब्यूटी इज बट स्किन डीप, भ्रम है भ्रम। कहां है उस स्त्री का या उस पुरुष का सौंदर्य जब वो क्रोधित है, षड्यंत्र कर रहा है, कर रही है, तब कहां गया आकर्षण? झूठे आरोप कोई लगा रहा है, लगा रही है, अब तो उसका सौंदर्य नहीं दिखाई दे रहा है, और वैसे तो पागल हो रहे उसके पीछे, दिन रात उसी का सोच रहे। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, आफ्ताब या आफत, शरीर की सच्चाई को देखना है, भागना नहीं है शरीर से, देखना है ये है शरीर, रोग का घर है। छी छी, मुरलियों में क्या आता है, ये देह कैसा है, छी छी, ये देह कैसा है, विकारी है, ये देह कैसा है, विष से भरा हुआ है, ये देह कैसा है, सांप है, ये देह कैसा है, पांच तत्वों का झूठा, क्या इसमें आकर्षण? और जो भी संबंध है स्त्री और पुरुष, इसमें जब दैहिक आकर्षण हो जाएगा वो संबंध नीचे गिरेगा, सूक्ष्म रीति से। चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, वो प्रेम वहां नहीं रहेगा, प्रेम का तो संबंध ही नहीं है शरीर से, लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, शरीर का तो वासना से, वासना का संबंध है शरीर से, प्रेम का नहीं, प्रेम तो अशरीरी है। कोई कहता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, काहे का प्रेम, वो प्रेम के पीछे तो सूक्ष्म देही कामनाएं छिपी हुई, फिर प्रेम कैसे? प्रेम अर्थात त्याग, प्रेम अर्थात बलिदान। पति कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पर तुम वहां जाना छोड़ दो, प्रेम है या अतृप्त वासना का प्रदर्शन? प्रेम नहीं है, प्रेम अगर होता तो त्यागता, प्रेम तो था ही नहीं कभी। हमें याद है एक बार एक पेशेंट, उसकी पत्नी मर गई, अभी अभी शादी हुई थी, लव मैरिज, इतना रो रहा है अस्पताल के वो जो सीढ़ियां है फर्स्ट काउंटर के आगे, जोर जोर से रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, इतना उसका प्यार, इतना उसका प्यार, लोग उसको संभाल रहे, उसके आंसू नहीं रुक रहे, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। एक्सीडेंट हो गया, वो चली गई, मर गई, लगता था बाप रे क्या प्रेम है। और वही भाई एक मास के बाद ओपीडी में आया, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना, दूसरी शादी, एक है प्रेम एक है वासना, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं शायद वो वासना मात्र है और कुछ नहीं, प्रेम का तो अनुभव ही नहीं, प्रेम में मालकियत नहीं है, वासना में मालकियत है, तुम मेरी हो तुम मेरे हो, प्रेम में मालकियत नहीं है, पजेसिव नेचर नहीं है प्रेम का। एक माता थी जिसका पति ज्ञान में आ गया, पर उसे ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं था, जब पति नहाने जाता था उसको बाथरूम में ही बंद कर देती थी एक घंटे, 7 से 8 मुरली के समय। दैहिक आकर्षण अभी भी हो रहा है, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति नहीं हुई,
तीन दिन पहले मुरलियों में था, माया की चोट तब लगेगी जब देही अभिमानी नहीं है, यह बाप की याद में नहीं है। लाइन थी नीचे, गलती भूल अपनी ही होती है। आत्म अभिमान का, बॉडी सोल कॉन्शियसनेस का इतना अभ्यास नहीं है, इसलिए तो शरीर ध्यान में आते हैं, शरीर की तरफ खिंचाव होता है, ये सुंदर या असुंदर, ये अच्छा दिखता है ये अच्छा नहीं दिखता है, ये हैंडसम ये कम हैंडसम, आत्मा खींचती जाती है। इसके साथ दोस्ती करने की इच्छा होती है, उसके साथ नहीं होती है। और एक नई माया आज के युग में, माँ बाप को अपनी कन्या के लिए अच्छा पक्का बीके भाई चाहिए, बीके मैट्रिमोनी वेबसाइट है, शादी तो होनी चाहिए पर किसके साथ, एक कोई पक्का अगर मिल जाए ना तो उसको थोड़ा आधार भी रहेगा, हम भी निश्चिंत रहेंगे। कैसी माया है। एक माता का फोन आया था, वो कह रही थी आज ना मेरे बेटे को देखने के लिए ना वो लड़का आ रहा है, आप वहां से प्लीज सकाश देना थोड़ी सी, पक्का हो जाए रिश्ता और पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। मधुबन से थोड़ी सकाश जाएगी ना तो पावर तो ज्यादा होगा। क्या कहा जाए, दी जाए। तो एक दूसरी माता मिली थी, वो कह रही थी ऐसी भट्टी में मेरे बेटी की शादी है, मधुबन में इनविटेशन भेजू क्या। माया है। पांचवी माया का रूप इलेक्ट्रॉनिक माया, इलेक्ट्रॉनिक माया। रावण ने देखा ये तो बड़े पावरफुल निकले, सिनेमा जाना बंद कर दिया ही नहीं, सिनेमा हॉल में ये जाते नहीं, तो माया ने अपनी चाल खेली, इनके घर में टीवी रख दो, एक एक टीवी रख दो। और फिर माया ने देखा इनमें से कुछ कुछ ऐसे पक्के हैं जो टीवी लेते भी नहीं है, टीवी बंद करके रखते हैं, टीवी देखते नहीं। तो माया ने अपनी गुप्त मंत्रणा, गुप्त मीटिंग की और एक नया प्रोडक्ट ईजाद किया, ये डाल दो एक एक के जेब में डाल दो, और उसमें भी फिर आगे उसमें नेट डाल दिया। वो हंसी में बताते हैं ना, द्वापर युग में मनुष्य ने जाल फेंका, मछली बेचारी फंस गई उसमें, मछली ने प्रतिज्ञा की एक दिन आएगा मैं भी जाल फेंकूंगी, तुम उसमें फंसो, अंतर जाल इंटरनेट, इंटरनेट अर्थात अंतर जाल जिसमें तुम फंसोगे। क्या किया जा रहा है इससे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आग की तरह है, इससे रोटी भी पक सकती है तो घर भी जल सकता है। हम क्या कर रहे हैं, सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन ज्ञान, मुरली पढ़ी जा सकती है, मुरली सुनी जा सकती है, क्लासेस सुन सकते हैं, पर वही माया भी बन सकती है। एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, एक क्लिक ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमार, इसके लिए क्या किया जा रहा है। लंबी लंबी बातें, गुप्त वार्ता, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, इंटरनेट चालू कहां से कर रहे हैं, एंड कहां जा रहा है समझ नहीं आ रहा। इसके लिए इसका नियम एक है इंटरनेट का, कि इंटरनेट गूगल किसी लक्ष्य के साथ ही जाना है, लक्ष्य पूरा होते ही वापस, लक्ष्यहीन चले गए तो चालू कहां से कर रहे और एंड कहां कर रहे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये एक्टिव कब होता है, सोने से पहले, सारे काम हो गए, सारी सेवाएं हो गई, अब सोने का टाइम है, उसके बीच में
डिजिटल नगरी जागृत हो जाती है और डिजिटल नगरी की अनजानी राहों में भटकना चालू हो जाते हैं और भटकते भटकते 10:30, 11, 11:30, 12 पर अपने टाइम पर उठते हैं क्योंकि लंबे समय की आदत है अमृत वेला की, पर वो अमृत वेला कैसा रहेगा? रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है उठते ही वो प्रथम संकल्प बनता है। टीवी सीरियल देखने की किस किस को आदत है? जरा हाथ खड़ा करना। ऐसा तो हो नहीं सकता, सब हाथ नीचे करके हैं। इतने पावरफुल सीरियल, एक सीरियल का एक एपिसोड एंड ही वहां होता है कि उत्सुकता रहती है आगे क्या होगा, क्लाइमैक्स में ही एंड करते बराबर। एक भाई था कुछ साल पहले, उसको पूछा क्या कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अशोक भाई की क्लास से। अशोक कौन से अशोक? सम्राट अशोक, सीरियल आता था वो देखने जा रहा हूं। ये माया ना बन जाए, बस इतना ध्यान रखना, उपयोग करना है पर माया न बन जाए, नहीं तो माया का सर्वश्रेष्ठ साधन है टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और किचड़ा सारा अंदर। ग्रुप्स बनाते हैं नए नए व्यर्थ के और भेजते रहते कुछ कुछ रोज संदेश, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग। क्या जरूरत है, क्यों भेज रहे? भेजना चालू ही है। हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी श्राद्ध, जो मर्जी चाहे भेज दे। फॉरवर्ड मधुबन से क्लास आई है, पावरफुल क्लास, क्या करो? फॉरवर्ड वो देखते हैं, अच्छा पावरफुल क्लास, फॉरवर्ड वो देखते हैं, अच्छा इसको मेल करो, ये तो बहनों ने जरूर सुननी चाहिए, मी मेल। वो देखते हैं उधर से, अच्छा अच्छी क्लास है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। क्लास बिचारी अनाथ घूमती रहती है ब्राह्मण परिवार, क्योंकि जिसके पास भी आती है वो क्या करता है? फॉरवर्ड, ये जरूर सुनना चाहिए, इसमें लिखा है ना इंपॉर्टेंट सुपर, जल्दी भेजो भेजो भेजो। कई लोग अमृत वेले के बाद स्पेशल विशेष ये कार्य करते हैं, फॉरवर्ड आज का मोती, आज का थॉट फॉर द डे, ये आज की क्लास, ये खाली भेजने में ही समय जाता है। सुनने का किसी को समय नहीं है, ना पढ़ने का समय है। जब तक खुद ना सुनो भेजने का अधिकार भी नहीं है। बेचारी क्लास भटक भटक के भटक भटक के उसी तक वापस आ जाती है जिसने भेजी थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने किसी अव्यक्त मुरली से बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले, फिर उसको ठीक से सजाया थोड़ा सा और किसी को भेजी, और शाम को कोई दूर से सेवा केंद्र से वही हमको वापस आ जाता है। ये जरूर पढ़ना, तुम ये हमने ही निकाली थी सुबह सोच सोच के। पढ़ने की इच्छा कम है, फॉरवर्ड करने की इच्छा ज्यादा। स्वयं का कल्याण बाद में, पहले उनका कल्याण होना चाहिए। तुम एक बार सुन लो, ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्यों लिखा है ना वहां, बस ये माया है। एक जोक्स भेजते रहते, थोड़ा सा मनोरंजन ठीक है पर केवल उसी के पीछे जाएगा, पॉलिटिकल न्यूज सर्कुलेट करते रहते, जोक्स वही करते रहते, पिक्चर्स छोटे छोटे वीडियो भेजना चालू रहता है। क्यों भेज रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं हमें भेजने की। हमको याद है मेडिटेशन हॉल में एक बार हम बैठे थे, एक माता या बहन कोई आके बैठी सामने, पहले उसका मोबाइल बजा,
जोर से मेडिटेशन चालू है, सुबह अमृत वेले का योग, तो उसने फिर कुछ किया और बंद किया। 5 मिनट के बाद फिर उसका मोबाइल बजा जोर से, फिर उसने बंद किया। तीसरी बार बजा, चौथी बार बजा, पांचवी बार बजा, 45 मिनट में 5-6 बार मोबाइल बजा जोर से, और हर बार उसने बंद किया। हमने सोचा कि अमृत वेला होने के बाद इसको बताएंगे हम कि मोबाइल थोड़ा बंद ही रखा करो या साइलेंट पे कर दिया करो। पर जैसे ही अमृत वेला पूरा हुआ, हमारा काम 3-4 लोगों ने मिलकर कर दिया। उसको बताने वाले इतने सारे उठ के आ गए, बंद करो बंद करो बंद करो। हमने कहा लो, अब हमें इसके बाद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं हुआ। करेक्ट करने वालों की तो भरमार है, हम क्यों करें? हमको क्या लगता है हमने कहीं भेजा नहीं तो उसको नहीं भेजे मिलेगा? यहां तो लोग बैठे ही हुए हैं फॉरवर्ड करने के लिए। स्टॉप, ये सब बंद करना। कहीं कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं। काम से काम, फोन पर बात भी ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, लंबी लंबी बातें, यहां से बातें कर रहे हैं मधुबन निवासी, वो क्या करेगा यहां की समस्या होगा? उसको क्या मतलब? शेयर जरूर कर सकते हैं पर दूर नहीं कर सकते समस्या। लंबी लंबी बातें, व्यर्थ की बातें। और बताओ क्या चल रहा है उधर? बारिश आई कि नहीं? ठंड कितनी है? आज भालू दिखा क्या सुबह? इधर तो बहुत ठंड है, उधर क्या हाल है? और बताओ आज फिर क्या बना था ब्रह्मा भोजन में? वेस्ट। अच्छा उस बहन का क्या हुआ? पहले वहां थी, अभी इधर क्यों चली गई? उस भाई का क्या हुआ? पहले वो डिपार्टमेंट में था, वहां से क्यों चेंज हो गया? क्या हुई बात पूरी बताओ डिटेल। तुमको करना क्या है? व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। और फिर उसके घर में क्या हुआ? उसकी बहू ने क्या कहा? तुमको क्या करना है? इसकी बहू क्या कहती है? इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, व्यर्थ। इसके पहले भी सुनाया था और सुना होगा। एक व्यक्ति है जिसको रात में एक ही स्वप्न आता है, बिस्तर के नीचे सांप, बिच्छू, अजगर, जानवर, डरावने। रोज उठता है बेचारा दुखी, एक ही स्वप्न रोज, दुखी होके उठता है, एक ही स्वप्न रोज। लोग कहते डॉक्टरों को दिखाए, सबको दिखा के हो गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और एक दिन अचानक उठता है बहुत खुश और खुशी खुशी से, उमंग उत्साह से जा रहा है। लोग कहते क्या हुआ आज स्वप्न नहीं दिखा? वो कहता है नहीं, स्वप्न आना बंद हो गया। क्यों? वो कहता है मेरा भाई आ गया दूर से, वो कारपेंटर है, उसने बिस्तर के बेड के 4 पैर काट दिए। स्वप्न उसी के नीचे आता था ना, स्वप्न में क्या दिखता था? बेड के नीचे है वो सारा, खटिया के नीचे। अब भाई आ गया, उसने 4 पैर ही काट दिए, स्वप्न आना बंद हो गया। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, 4 पैर है, इसी के नीचे सारे जानवर और विकार सब बैठे हैं, इन्हीं को काट दो वो भी बंद हो जाएगा स्वप्न आना। सेवाओं के लिए यूज करना बस। ये मोबाइल स्पिरिचुअल मोबाइल बन जाए, जिसमें स्पिरिचुअल मैसेजेस हो, स्पिरिचुअल व्हाट्सएप हो, स्पिरिचुअल कॉल्स हो, हर चीज स्पिरिचुअल। सेवा अर्थ हो, ज्ञान अर्थ हो, योग अर्थ हो, बस बाकी कुछ नहीं। स्टॉप। उसके बाद में अगली माया फैशन है। फैशन, सफेद में भी फैशन, अलग अलग प्रकार के फैशन। टैटू वो तो कोई करते नहीं, बाल सफेद, गहने, पाउडर, मेकअप, ये सब हमारा श्रृंगार नहीं है। विनोबा भावे ट्रेन से जा रहे थे, एक महिला बैठी थी जिसने गजरा लगाया हुआ था, गजरा पता है ना? उन्होंने उसको पूछा ये गजरा तुमको दिखता है?
ये गजरा तुमको दिखता है क्या? उसने कहा नहीं, किस लिए लगाया है? किस लिए? दिखावे के लिए, आकर्षित करने के लिए। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली, तुम हो राज ऋषि। साकार मुरली है बाबा की। हमें देखकर किसी की दृष्टिवृत्ति खराब ना हो, शायद हम में ही कोई दोष है। रॉयल ड्रेस, इस्लाम धर्म में पहले भी सुनाया था कभी, बहनों के लिए 5 नियम है ड्रेस के, भाइयों के लिए भी हो सकते हैं उसी तरह के, पर विशेषकर इस्लाम में बहनों के लिए 5 नियम है। पहला नियम, चेहरा, हाथ और पैर बस इतना ही खुला। दूसरा नियम, कपड़े टाइट न हो। टाइट वस्त्र अर्थात आक्रमक। जितने धर्म स्थापक है, गुरु नानक देव जी ढीले वस्त्र है, जीसस क्राइस्ट ढीले वस्त्र है, अध्यात्म व्यक्ति अर्थात वस्त्र जहां ढीले, जितने भी धर्म स्थापक। दूसरा नियम बहनों के लिए। तीसरा नियम, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो, इतने पतले जिसमें शरीर दिखाई दे रहा है। चौथा नियम, पुरुषों के जैसे ना हो, स्त्रियों का ड्रेस शुड नॉट बी लाइक मेल्स, शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट। और पांचवा नियम, भड़काऊ ना हो। ये इस्लाम धर्म में लिखा है 5 नियम। उसी तरह पुरुषों के लिए लिखा तो नहीं है, पर वैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे नियम भी ऐसा हो, जितना हो सके सिंपल हो, स्वच्छ हो, फटे पुराने ना हो, वाइट हो तो बहुत अच्छा। रंगीन की दुनिया से हम बाहर आ गए। जैसे सन्यासी को उसके वस्त्र याद दिलाते हैं, मैं अलग हूं सबसे, ये लोग अलग, मैं अलग, उसी तरह ये वाइट हमको याद दिलाते हैं, ये अलग, हम अलग। फैशन, हमारी फैशन प्यूरिटी, संसार का मेकअप, संसार का श्रृंगार हमारी फैशन है। उसके बाद में अगला, फैमिलैरिटी। अगला फैमिलैरिटी, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती कर लेना, घनिष्ठता, लगाव, झुकाव। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत सेवा करता है, इसमें बहुत गुण है, इसमें बहुत विशेषता है, पर विशेषता दी किसने ये भूल गए। मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी मुरली चलाती है, बाबा ये बहन का स्वभाव बहुत मीठा है। बाप कहते हैं बच्चे मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है। व्यक्ति में फंस जाना, घनिष्ठता, दोस्ती, फैमिलियरिटी, उधर के संस्कार, लौकिक के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। दोष न ब्रह्मा कुमार का है, न ब्रह्मा कुमारी का, दोष उम्र का है। फैमिलियरिटी, बार बार बात करना, बार बार मिलना, बार बार हालचाल पूछना, उधर क्या चालू है, उसकी दिनचर्या का इसको पूरा पता है, वो इस समय ये कर रहा होगा, ये इस समय ये कर रहा होगा। बार बार बहाने करना, साथ में सेवा करना। अभी अभी कर्मातीत पर मुरली चली थी, क्या कहा था बाबा ने उसमें? दो सूक्ष्म सहारे ले लेते, कौन कौन से? एक साथी और दूसरा साधन। साथी क्या? सेवा का साथी है, सेवा के लिए निमित्त है, इसके वजह से सेवा में उन्नति हुई है, इसके वजह से सेवा आगे बढ़ी है, इसके वजह से संस्कार मिलन की रास होती है, इससे झुकाव है, लगाव है, ये अच्छा है। ये ही शब्द ही दाल में काला है, यही शब्द ही गड़बड़ करता है,
उस मुरली में था। सब अच्छे है, सब विशेष है, और अगर अविशेष है भी कोई तो किसने विशेषता भरी है उसमें? भगवान ने उसको भूल गए। ये फैमिलियरिटी माया है, इसके लिए अपने आप को जितना हो सके उन सब से दूर रखना। किसी के साथ सेवा की, बहुत अच्छा, सेवा पूरी हुई, वो उधर, हम इधर, बाय। अगला माया का रूप भोजन, फूड। भोग कितनी माताएं लगाती है यहां बैठी हुई, और बाकी नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान भावना का भूखा, प्यार का प्यासा है। जो हम खाए वो भोग लगाया हुआ हो, और सारी माताएं 24 घंटे में एक बार अपने घर में गृहस्थी में भोग जरूर लगाना, और इस भक्ति से ये पाठ लेकर जाना है। कल से ही काम करना है। जो नहीं लगा रहे पूछ लो बहन से कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या विधि है। चाहे कितनी भी घर में कैसी भी परिस्थिति हो, यही माता ऐसी है। उस दिन पांडव भवन में चर्चा हो रही थी, भोजन जो बनाता है उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लंबी चर्चा हुई थी, एक घंटा तक चली थी। ढेर सारे प्रश्न आए थे उसमें। कोई कहते हैं हमारे पास घर वाले नॉन वेज बनाते हैं तो हम क्या करें, उनको कांदा प्याज सब लहसुन सब चाहिए तब क्या करें। बहुत सारे प्रश्न हैं इस तरह के। और जो भी हो भोग जरूर लगाना, जो बनाते हैं उनको, और जो भाई जो भोजन बनाते हैं वो खुद लगाए, और जो नहीं बनाते हैं खाने से पहले उसको जरूर दृष्टि दे, उसके बाद ही स्वीकार करें। तो भोजन का सबसे पहला नियम है कि भोजन कहाँ से आ रहा है, किस पैसों से आ रहा है। अगर वो पैसा दो नंबर का है, अगर वो पैसा काला है, अगर वो पैसा किसी का शोषण करके आ रहा है, अगर वो पैसा किसी को दुख देकर आ रहा है, अगर वो पैसा इस ढंग से कमाया जा रहा है कि जिसमें बाबा की याद ही नहीं, ऐसे भोजन से, ऐसे पैसे से भोजन बन रहा है, वो बाप स्वीकार नहीं करते ऐसा भोजन। एक दूसरा भोजन का दोष है जाति दोष। जाति दोष अर्थात किस क्वालिटी का, उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं। तीसरा दोष है भोजन का राजसिक तामसिक तो नहीं, बहुत तीखा, बहुत गरिष्ठ, बहुत मीठा, बहुत ज्यादा चटपटा, इंद्रियों को उत्तेजित करेगा। थोड़ा और जगदीश भाई की किताब में है, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है। भक्ति मार्ग में है शोक वाटिका, सतयुग में होगी अशोक वाटिका, और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका, जिसमें हर चीज को क्या करते हैं, छोक लगाते हैं। चावल तो बना है पर उसको छोक लगाओ, दाल तो बनी है पर उसको छोक लगाओ, तड़का लगाओ और उसको टेस्टी बनाओ। उधर है विषय वैतरणी नदी, इधर है तेल वैतरणी नदी। तेल तेल हर चीज में, तेल डालो, तेल तैरना चाहिए ऊपर। भोजन करने के बाद जब तक ये आवाज नहीं आती मजा नहीं आता। अब कुछ मीठा चाहिए। स्वामी विवेकानंद से पूछा था किसी ने विदेश में, तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया। Where kitchen is temple and food is God. बस वही है, सुबह से लेके उठते से ही आज नाश्ते में क्या करना है, नाश्ता हो गया, अब दोपहर में क्या करना है, दोपहर हो गई रात को क्या करना है, शाम को क्या करना है, दिन रात भोजन का ही चिंतन चालू है। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या बन गए, भोजन ही जीवन बन गया है। भोजन भोजन ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है माना, परंतु उसके नाम पर
कुछ और ही कर रहा है, वो संयम नहीं है, संयम खो गया, ओवर ईटिंग। अगला भोजन का नियम है ओवर ईटिंग ना हो, ज्यादा ही खा लेते। अगला भोजन का नियम है हंगरलेस ईटिंग ना हो, भूख नहीं है फिर भी खा रहे। अगला भोजन का नियम है क्रोध में और कंप्लेन के साथ भोजन नहीं करना है। भोजन बनाने के भी कुछ नियम है, बातें करते हुए खाते खाते भोजन बना रहे, इधर खा भी रहे इधर भोजन भी बना रहे। बर्तनों का आवाज कम से कम हो, खा रहे मधुबन में हम देखते लोग आते। अगला नियम इतना नहीं ले लेना कि छोड़ दो, वेस्ट करते, थाली भर के ले लेते हैं और वेस्ट डाल देते। चाय लेते एक ग्लास, आधा पीते आधा छोड़ देते। आए थे मधुबन में पुण्य कमाने, पाप करके जा रहे। यज्ञ का एक एक कणा, एक एक दाना मोहर के समान। ये ब्रह्मा भोजन नहीं दुख भंजक भोजन है, इसमें दवा और दुआ दोनों समाई हुई है। 16 फरवरी 1988 अव्यक्त वाणी, ये ब्रह्मा भोजन है। वेस्ट कर रहे, जो चीज हमने कभी खाई नहीं उसको क्यों ले रहे इतना सारा, थोड़ा सा ले लो। मधुबन में तो ऐसा लगता है जैसे भूख इतनी बढ़ गई है, क्या खाऊं और क्या नहीं, खाऊं खाऊं म्याऊ म्याऊ, पेट में बलाऊ, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, इधर खाऊं उधर खाऊं। और उतना खाने के बाद में भी दूसरे के प्लेट में गुलाब जामुन दिखा, कहां से लाया, इधर दो सब्जी है उधर थाली में तीसरी सब्जी दिखी, कहां से लाई, असंतोष। पेट कभी भरा है आज तक किसी का, द्वापर से किसी का भी नहीं भरा है। और भूख का संबंध पेट से नहीं मस्तिष्क से है, असंतोष। टोली मिल रही है, हम गए छोटा आम हमको मिल गया, सबको बड़ा आम मिला हमको ही छोटा, ऐसा ही होता है हमारे साथ, पता नहीं भाग्य में ही नहीं है हमारे। गुलाब जामुन बने हैं मधुबन में, सब खा रहे, हमारी थाली में भी है पर हमारा छोटा है उसका बड़ा है, कितनी असंतुष्टता है भोजन से। किचन में गए डाइनिंग में गए, भोजन देखा पसंद का नहीं है, खा आज भूख नहीं है, भोजन देखते ही भूख खत्म, भोजन ही माया बन चुकी है। जितना भोजन हम खाते हैं उससे आधा पेट अपना भरते और आधा डॉक्टरों को, जितने रहम दिल है इस पेट को बहुत कम की आवश्यकता है। सारी बीमारियों का जड़ ही भोजन है। उसके बाद में अगला गॉसिप्स, गॉसिप्स अर्थात झरमोई झरमोई, इधर की बातें उधर, नौवे प्रकार की माया, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। मंदिर का पुजारी सो रहा था, आंख खोली तो देखा मुख में पंख, इधर उधर देखा पंख कहां से आ गया मुंह में, जाकर पत्नी को बताया मैं सो रहा था मुख में पंख था। पत्नी ने कहा पंख ये तो बड़ा अपशकुन है, और ये तो कबूतर का पंख है, और कबूतर तो इस इलाके में है ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। वो पति कहता है बिल्कुल तुम ये किसी को बताना मत। पत्नी कहती है बिल्कुल नहीं बताऊंगी, घर की बात है। रात भर बेचैन पत्नी, सुबह उठते ही पड़ोसी के घर जाती है और कहती है कि हमारे पतिदेव पुजारी जी सो रहे थे मंदिर में, सुबह उठा दोपहर को देखा तो मुख में पंख है, पर ये बात तुम किसी को भी बताना मत। पड़ोसीन बेचैन, शाम तक पति घर में आता है, पति को कहती है कि हमारे पुजारी जी वैसे तो शाकाहारी है, सो रहे थे मुख में पंखों का गुच्छा था। पति बेचैन दूसरे दिन ऑफिस में, कुछ सुना भी है कि नहीं तुम लोगों ने, गांव में रहते हो कि नहीं, हमारे पुजारी जी सो रहे थे पंखों के गुच्छे निकले मुंह से, गांव और बात और फैलती है। दोपहर तक लोग कहते हैं
उनके मुख से एक कबूतर निकला। शाम तक बात और फैलती है कि हमारे पुजारी जी इतने भ्रष्ट हो गए कि अलग अलग प्रकार के पक्षी उनके मुख से निकलने चालू हो गए। और शाम को सारे लोग आ जाते हैं, हमको भी देखना है, हमको भी देखना है कैसे निकलते हैं पक्षी। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, पर लोग अब मानने को तैयार नहीं, आधी रात को घर छोड़ के जाना पड़ता है। कहां से कहां पहुंच गई बात, इतनी सी थी। बढ़ाते 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 कहां से कहां कहानी बन गई। इसलिए तो भक्ति का इतना विस्तार हुआ, इतनी कहानियां कैसे बनी भक्ति मार्ग। इसी कारण से रामायण तो एक है, उसमें कितनी बातें डाल दी, कितने प्रकार की रामायण है, 50 से भी ज्यादा प्रकार की रामायण है। हर एक ने अपनी बुद्धि डाली उसमें और विस्तार किया। गॉसिप्स हम ये काम ना करें। मुरलियों में आता है सुनी सुनी बातों पर विश्वास ना करो। किसी के बारे में सुना, अच्छा उसका ऐसा चल रहा है, हम क्यों विश्वास करें जब हमको पता ही नहीं कुछ। और लास्ट प्रकार की माया, दसवीं, इंग्लिश शब्द है HSP। HSP अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सन। बाबा कहते फीलिंग देवी, छुई मुई हिमाया। किसी ने कुछ कह दिया नाराज, किसी ने कह दिया उदास। नेचर इतना ज्यादा सेंसिटिव है, ये बहुत बड़ी माया। ये मार्ग तो सिक सिक झुक झुक मरमर का है, ये मार्ग तो अग्निपथ है। यहाँ तो बहुत कुछ सहन करना है और आगे निकलना है। अगर छोटी छोटी बातों से उदास होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, बड़ों से, छोटों से, अपने साथियों से नाराज हो गए, 3 दिन बातें बंद, वो उधर हम इधर, ये संगठन में चल रहा है। आज सुबह की साकार उपयुक्त वाणी एक है, एक को प्रत्यक्ष करना है, दो बुझा लगानी है, एकता और एकाग्रता। हम सब एक है, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है, रूठना नहीं, ठीक है। संगठन है, वन वन की काठी है यहाँ पर। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, किसके क्या संस्कार, टकराव ना होना, एडजस्ट करके चलना है। और छोटी छोटी बात में रूप पाने, तो ऐसी 10 प्रकार की ये माया है, सूक्ष्म रूप है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया आलस और अलबेलापन, दूसरा बताया बहानेबाजी, तीसरा बताया कंफर्ट्स, कन्वीनियंस, सुख और सुविधाएं, चौथा बताया दैहिक आकर्षण, उसके बाद बताया इलेक्ट्रॉनिक माया, उसके बाद में बताया पैशन, उसके बाद में बताया फैमिलियरिटी, घनिष्ठता एक दूसरे के साथ, बेचैन होना, उसका फोन नहीं आया, इधर से एक मैसेज किया, उधर से मैसेज अब तक नहीं आएगा, इंतजार में आएगा, आएगा आएगा, और नहीं आता है तो उदास, नाराज, रूठना, रोसना। उसके बाद में अगली माया बताई भोजन, भो ज न, भो अर्थात भोग लगाया हुआ हो, ज अर्थात जाति दोष ना हो, न अर्थात कौन कौन सी चीजें भोजन में न करनी, बातें करते करते भोजन करना, असंतुष्टता के साथ भोजन करना, कंप्लेंट करते करते भोजन करना, टेबल टॉक्स, किस तरह का कमाया हुआ हो, नो अर्थात नो की लिस्ट बनानी है भोजन में, कौन कौन सी नो, भोजन बना रहे टीवी चालू, भोजन बना रहे गीत संसार के चालू, कौन से वाइब्रेशन जा रहे हैं, किचन का वायुमंडल, किचन अर्थात तपस्या कुंड हो जाए, भोजन बनाने की प्रक्रिया तपस्या की प्रक्रिया, खाने की जैसे अनन्य भाव से उसे स्वीकार कर भोजन। उसके बाद में झरमोई झगमोई, गॉसिप्स, गॉसिप्स इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप्स, इधर की बातें, उधर की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इसने क्या किया। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट 3 दिन के बाद फिर आ जाता है सूली पर लटकाने के बाद, और उसका एक शिष्य जिसने उसे नकारा था पहले, वो पूछता है लॉर्ड डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, हाँ
जीसस कहता है आई डू लव यू। वो फिर पूछता है लॉर्ड डू यू लव मी, जीसस कहता है यस आई डू लव यू। और वो पूछता है ये जो पीछे से ये पीटर होता है, वो कहता है ये जो पीछे से जो जॉन आ रहा है, हे प्रभु ये बताओ तुम इससे भी प्यार करते हो क्या? मेरे से तो करते हो, पर ये दूसरा शिष्य है उससे कितना करते हो? जीसस कहता है व्हाट इज दैट टू यू, तुम अपने काम से काम रखो, मैं उससे कितना प्यार करता हूं उसे पता है, मुझे पता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम हटो यहां से। व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, उसके घर में क्या चल रहा है, चर्मो इच्छा। और लास्ट बताया HSP, HSP अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सन, फीलिंग देवी, छुई मुई। तो ये ऐसी माया है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति।